मुझे पता है माय लास्ट एपिसोड वाज ऑन फिफ्थ अक्टूबर विच वाज स्टीव जॉब्स डेथ एनिवर्सरी एंड वी हैव सेलिब्रेटेड और स्टार्टेड अवर न्यू सीरीज्स एक्नोलेज द डे बट दीज टू मीट आई बिन बिजी इन रीडिंग बुक्स एंड माई सम कॉलेज वर्क वॉज ऑल्सो देर तो मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाया बट आई हैव डन अ बेटर जॉब फॉर यू इन दैट टाइम आई हैव स्टार्टेड माई वेबसाइट वेर आई हैव गि ऑल माई कंटेंट दैट आई कुड गिव दे आई हैव रेड सम बुक्स विच आई एम गोइंग टू रिकॉर्ड देर पॉडकास्ट एपिसोड फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स और आपको रेगुलरली अभी एपिसोड्स मिलेंगे टिल द एंड ऑफ द ईयर बट आज हम जिस किताब के बारे में बात करने वाले हैं उसकी कहानी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग है क्योंकि मैं कुछ चीज़ों चीज़ें इस्टेब्लिश करना चाहता था अपने माइंड के लिए विच वेयर लाइक विच आर द फंडामेंटल थिंग्स दैट आई वॉन्ट टू बी राइट इन माई लाइफ फॉर एग्जाम्पल फूड स्लीप रिलेशनशिप विद माई फैमिली फ्रेंड्स देन माई करियर तो ऐसा कहते हैं कि जो चीज़ें हम रोज करते हैं उनका हमारे जीवन पर काफी अच्छा असर पड़ता है तो अगर मैं इंट्रोस्पेक्ट करूं खुद को और सोचू कि मैं कौन सी चीज़ है जो रोज करता हूं या आप सब भी रोज करते हैं वो होगी कि हम रोज सोते हैं और रोज खाते हैं मतलब खाना और सोना ये ऐसी ही दो चीज़ें हैं जो सब एवरी होमोसिपियन डू दिस तो जब हम लोग खाते हैं और सोते हैं बट हम इसके बारे में अच्छे से नहीं जानते सो आई थॉट आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट माई फूड एंड माई स्लीप हैबिट्स देन आई स्टार्ट लुकिंग फॉर बुक्स विच आई यूजली डू इन ऑर्डर टू गेट दैट एंड टू थिंक अपॉन तो मेरी फ्रेंड श्वेता ने बताया दैट फूड फिक्स कुड बी because दैट यू कैन स्टार्ट विद बिकॉज इट्स रिसेंटली पब्लिश इन फेब्रुवरी ट्वेंटी 2020.

ही इज अ फूड प्रैक्टिसिंग डॉक्टर लाइक ही प्रीफर फूड एज मेडिसिन तो मतलब हमारे uh, इंडिया में अगर हम कहें तो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर है वो तो so, इनकी बुक है दिस फूड फिक्स एंड फूड फिक्स फर्स्ट ऑफ ऑल इज नॉट अबाउट अ टिपिकल डायटरी बुक जिसमें आपको लिखा होता है कि इसमें इतने कैलोरीज हैं इसमें ये है इसमें वो है ये मत खाइए या लाइक uh, like, ये खाने से आपको ये होगा बट इट्स मोर अबाउट द थिंग्स दैट विच गिव यू ग्लोबल पिक्चर ऑफ फूड मतलब ये ग्लोबली फूड के बारे में बात करती है दैट uh, जब आप एक पैकेज नेफे ऑर्डर करते हैं तो आप एग्जैक्टली exactly उसके पीछे क्या क्या चीजें होती हैं या जब भी आप uh, कोई कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो वो आपको कैसे मैन्यूपलेटिवली पिलाई जा रही है वो आपको पता नहीं चलता है दीज काइंड ऑफ थिंग्स या हम कैसे दुनिया को बचा सकते हैं ग्लो इकोनॉमिकलली हम स्टेबल बन सकते हैं देन क्रॉनिक डिसीजेस जो पूरे दुनिया में चल रही हैं उनको स्टेबलाइज कर सकते हैं बस अपनी प्लेट को फिक्स करके सो दिस इज अबाउट ऑल द स्टफ दैट आई हैव टॉक्ट अबाउट राइट नाउ तो उसके बारे में जब हम उन्होंने बात करी है देन यू ऑल्सो बिलीव दैट यस फूड इज अ बिगर थिंग देन वॉट वी थिंक मतलब हम जब डाइट प्लान करते हैं तो हम सोचते हैं कि यार मुझे पतला होना है या मुझे अच्छा दिखना है मुझे अच्छे कपड़े पहनने हैं इसीलिए मैं डाइट प्लान करूंगा बट वेन यू रीड फूड फिक्स आपका एक पर्स्पेक्टिव चेंज हो जाता है फूड को देखने की तरफ मतलब आप फूड को आप कोई ऐसा सेल्फिश एक्ट में नहीं देखते कि मुझे अपने को स्लिम होना है मुझे अच्छा दिखना है अच्छे कपड़े पहनने आप ऐसे फूड को देखो कि नहीं आप सोचोगे कि यार मैं अगर अच्छा खाऊंगा तो दुनिया का क्लाइमेट अच्छा होगा मैं अगर अच्छा खाऊंगा तो दुनिया में अनएम्प्लॉयमेंट कम होगा दुनिया में फार्मर्स को रिस्पेक्ट मिलेगा फार्मर्स के डेथ कम होंगे मैं अगर अच्छा खाऊंगा तो दुनिया बदल जाएगी अगर आप इस पर्सपेक्टिव से फूड को देखने लोगे तो बहुत सारी चीजें आसान हो जाएंगी हमारे लिए जस्ट फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी यू ईट सो ये काफी अच्छी बात है इस बुक की

कॉन्टेंट सो दैट्स वाई आई थॉट दैट ओके आई शूड रीड इट ब्रीफ आई शूड इट आई शूड रीड इट आई शूड रीड इट थरली एंड देन आई पुट आउट द कॉन्टेंट दैट आई वॉन्ट टू दो मैंने uh, इसके बारे में सोचा है बट टू गिव अ मोर प्रॉपर सोल्यूशन आई हैव टू गो थ्रू आई थिंक वन और टू मोर बुक्स और हैव टू गिव बेटर थाट येट आई थिंक मैंने अच्छा खासा डाटा जमा कर लिया है जिसको मैं शेयर कर सकता हूँ

वट एवर वी आर ईटिंग टूडे इट इज बेस्ड अपॉन द इकोनॉमिक्स ऑफ दैट थिंग अगर वो चीज ज्यादा प्रॉफिटेबल है तो वह ज्यादा बेची जाएगी अगर वो चीज ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है तो वह कम बेची जाएगी एंड दैट्स अ फैक्ट और वो कम भी अगर बेची जा रही है तो उसमें ऐसा कोई नहीं देख रहा है कि उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज कितनी है दे आर जस्ट चेकिंग दैट वेदर इट इज शॉर्ट ऑफ सेफ वन टाइम पर्पज और ओवर पीरियड यह सेफ है कि नहीं इसकी कोई वेलिडेशन काफी कम हो रही है एंड वॉट एवर द फूड वी आर परचेसिंग इट्स जस्ट लाइक वेदर इट इज प्रॉफिटेबल और नॉट तो इसका सोर्स क्या है तो जो भी खाना आज हम परचेस कर रहे हैं वो किसी किचन में वगैरह वगैरह नहीं बनता अब मैं होटल्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं जो खाना हम मार्केट से खरीद कर ला रहे हैं और फॉर द सेक अगर हम होटल में भी खा रहे हैं तो उन्होंने भी कहीं से खरीद कर ही लाया होगा मैं उस जगह की बात कर रहा हूँ जो खाना हमें फैक्ट्रीज से बनकर आ रहा है जो खाना बेसिकली फैक्ट्रीज या तो हमें इंडस्ट्रीज से बनकर आ रहा है इंडस्ट्रीज अगर हम बोलें तो उसके साथ मार्केटिंग और बाकी चीज़ें भी ऐड हो जाती हैं तो वो खाना मैनिपुलेटिवली लोगों को भेजा जा रहा है एंड दे आर मेकिंग श्योर दैट वी स्टिक टू इट तो इन फैक्ट्रीज से या इन in इंडस्ट्रीज से क्या क्या चीजें हो रही है फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लोबली बहुत सी कम इंडस्ट्री हैं जो गवर्न करती है मेजोरिटी ऑफ द मार्केट जैसे कि अगर हम बात करें मैकडोनल्ड्स डोमिनोज पिज्जा हट ये चीजें हम देखते हैं देन पेप्सिको एंड नेस्ले दिस थिंग्स आर गवर्निंग मेजोरिटी ऑफ द फूड इंडस्ट्रीज और ये करते क्या हैं इनका इनका कॉन्ट्रीब्यूशन अपने को खाना खिलाने में इतना है कि हम इन्हें छोड़कर और कुछ चीजों की तरफ देख भी नहीं पा रहे मीन्स वी आर ओवरलुकिंग द फैक्ट ऑफ न्यूट्रिशन एंड ऑल अदर स्टफ एंड रेदर वी आर जस्ट गोइंग फॉर द टेस्ट हम टेस्ट ओरिएंटेड खाना खा रहे हैं बेसिकली तो सबसे पहले इन फैक्ट्री से क्या क्या होता है हमारी किसी भी इंडस्ट्री में मतलब वर्ल्ड इंडस्ट्रीज में फूड इंडस्ट्रीज़ का कॉन्ट्रीब्यूशन अबाउट फिफ्टी परसेंट है मतलब ज़्यादातर फैक्ट्रीज आर फूड फैक्ट्रीज और फैक्ट्रीज से होने वाले पोल्यूशन के बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करना चाहूँगा क्योंकि हम फिफ्थ सिक्स और एट स्टैंडर्ड में साइंस और जोग्राफी दोनों में यही पढ़ा है एसेज पे एसेज लिखे हमने के एयर पोल्यूशन वाटर पोल्यूशन सॉइल पोल्यूशन एनवायरमेंटल की जो क्लास होती थी स्कूल में वो हमने पीटी पीरियड में कन्वर्ट कर दी और इसका ज्यादातर इम्पैक्ट हम आज देख रहे हैं तो ये फैक्ट्रीज जो हैं ये बेसिकली एयर पोल्यूशन करती हैं वाटर पोल्यूशन करती है वाटर पोल्यूशन की एक अच्छी फैक्ट मुझे पता चली इस बुक में दैट हम कहते हैं कि उसमें क्या होता है वाटर पोल्यूट हो रहा है तो उसमें क्या है हम हम सीज इतने बड़े हैं सेवेंटी थ्री परसेंट ऑफ अर्थ इज सी तो क्या है फर्क पड़ता है तो बेसिकली देखिए अगर सेवेंटी थ्री परसेंट ऑफ अर्थ इज सी और सीज में एक्चुअली फिशेस होती हैं हमें लगता है बट उसमें प्लांट्स भी होते हैं एंड फिफ्टी परसेंट ऑफ द ऑक्सीजन दैट वी कंज्यूम इज प्रोड्यूस्ड बाय द सी और वी कैन से द ओशंस तो फिफ्टी परसेंट ऑफ ऑक्सीजन जो बनाने वाला अपना सोर्स है उसको हम पोल्यूट कर रहे हैं मतलब आधा ऑक्सीजन दुनिया से चला जाएगा अगर वो कंप्लीटली पोल्यूट हो गया और हम ट्रीज प्लांटिंग की बात कर रहे हैं तो थर्टी सेवन परसेंट ऑफ अर्थ इज लैंड और उसमें भी काफ़ी सारा रेगिस्तान आ जाता है और उस पर हम रहते भी हैं तो वहाँ पे ट्रीज प्लांट करने के लिए जगह कितनी है जो इसको कंपनसेट कर सके फिफ्टी परसेंट ऑफ ऑक्सीजन को तो मेरे ख्याल से ये ये काफ़ी ब्रॉड एरिया है जो हम इन डेप्थ उस टाइम पे स्टडी कर नहीं पाए बट आज जब हम ऐसी चीजें पढ़ते हैं विद द फैक्ट्स एंड द नंबर्स एंड देन वी थिंक अपॉन इट देन वी रियलाइज दैट इट्स अ मेजर इशू द पोल्यूशन इज लिटरली अ मेजर इशूज एंड एज वी कैन से दैट इफ इंडस्ट्री इज मोर अबाउट फूड मतलब अगर मोर देन फिफ्टी परसेंट या अराउंड फिफ्टी परसेंट भी कंपनीज और फैक्ट्रीज हैं जो फूड से रिलेट करती हैं तो वी नीड टू थिंक अपॉन इट क्योंकि ऐसी फैक्ट्रीज आज हमारे पास डेढ़ साल तक विदाउट प्रोडक्शन सेवन बिलियन लोग खाना खा सकते हैं इतना खाना ऑलरेडी तैयार है एंड स्टिल वी आर प्रोड्यूसिंग बट इसमें दो बिलियन लोग मोटे हैं या ओबेस हैं और बहुत से लोग हैं जो माल न्यूट्रिस्ट हैं मतलब ये ऐसा फूड सिस्टम है जो आपको हेल्दी नहीं खिला रहा है जो आपको खिलाते जा रहा है अगर आप चाह रहे हैं और अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं तो ये आपको बिल्कुल खाना नहीं दे रहा है सो यू आर गेटिंग माल न्यूट्रिस्ट और ओबेस सो दिस इज अग ड्रॉबैक ऑफ दिस कंपनीज और इसमें काफ़ी ज़्यादा चीजें आप इसकी मार्केटिंग की बात करते हैं इसकी मार्केटिंग अच्छी है लाइक like, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आप प्रॉफिट मत सीख कीजिए चीज़ों में क्योंकि प्रॉफिट इज द थिंग विच यू अर्न लिविंग अपॉन आप अगर प्रॉफिट नहीं कमा पा रहे हैं तो आप जिंदा नहीं रह पाएंगे मतलब खाना नहीं खा पाएंगे तो प्रॉफिट कमाइए बट द मीन्स यू आर ट्राइंग टू अचीव दैट प्रॉफिट एंड अदर थिंगस दिस समबल sort of क्योंकि आज मैं मार्केट में जाता हूं तो मुझे ऐसी एक भी चीज़ नहीं लिक, लिक, दिखती जो मैनिपुलेटिव नहीं है मैं मैगी खाने जाऊं तो मैगी भी मैन्यूपुलेटिव है मैं कॉफी लेने जाऊं तो कैफीन काफ, में भी एडिक्शन है अगर मैं सोडा और केक बिस्कुट्स की बात करूं तो उसमें शुगर है और शुगर जैसी एडिक्टिव चीज़ कुछ नहीं है पहली बात तो शुगर आपके बॉडी में फैट्स अकूमेशन के लिए आ, रिस्पॉन्सिबल है एंड देन वो एडिक्टिव भी है मतलब आप जितना शुगर खाओगे आप एडिक्ट उससे होते जाओगे और उससे फैट भी कंज्यूम होने आपके बॉडी में लाइक uh, अकूमलेट like, होना शुरू होगा सो इट्स हैपनिंग इन बोथ वेज एंड स्टिल दिस कंपनीज आर सेलिंग दिस थिंग बिकॉज इट्स चीप एंड एज इट इज चीप दे कैन मार्केट इट बेटर दे कैन गिव मोर लुक टूवर्ड्स देग इट रादर देन मेकिंग इट तो क्योंकि चीप है ना तो बनाओ बस बेचो ज़्यादा दैट्स द फैक्ट और इसके लिए वो क्या क्या चीज़ें यूज करती है फॉर एग्जाम्पल आज आजकल हम एड्स देखते हैं जिसमें हमारे शो कॉट हीरोज या एक्टर्स बॉलीवुड सेलिब्रिटीज या कोई भी सेलिब्रिटी स्पोर्ट्स हो किसी भी एरिया के वो लोग इन चीज़ों को प्रमोट करते हैं एंड दे मेक दैम प्रमोट एंड दे गिव हैवी अमाउंट ऑफ मनी टू प्रमोट दो थिंग्स न वॉट दे डू इज दे प्रे ऑन चिल्ड्रन मतलब जब हम छोटे बच्चों को चॉकलेट देते हैं तो वो खुश हो जाते हैं और दिस सॉर्ट ऑफ बिकेम अ कल्चर काइंड ऑफ थिंग कि हम लोग छोटे बच्चों को चॉकलेट्स दें वो खुश हों अरे मैं छोटी बहन को घुमाने ले गया तो उसने चॉकलेट मांगी और बने दे दी सो दैट बिकम्स अ काइंड ऑफ मॉडर्स्ट एक्ट फॉरस के हम छोटे बच्चों को चॉकलेट देते हैं तो ये चीज़ें हमें अब बेची जा रही हैं दिस आइडियाज आर बींग सोल्ड टू अस इसके बाद अगर हम देखें तो पैकेट्स पे सुपर हीरोज़ के पोस्टर्स आते हैं जो बच्चों को अट्रैक्ट करते हैं क्योंकि देखो उस टाइम पे उस बंदे का माइंड उतना आ, बड़ा नहीं है या वो उतना बड़ा सोच नहीं पाता है कि उसको चीज़ें वो खिलाई जा रही हैं वो बंदा क्या है यार वो शा, शाम को पाँच छः छः बैठ कर वो कार्टून देखता है और वो कार्टून उसको किसी चीज़ पे दिख रहा है तो वो फील करता है कि वो कार्टून भी वही खा रहा होगा जो जो कि असलियत में है भी नहीं और वो सोचता है कि चलो मैं ये ख़रीद लेता हूँ या बचपन में हमने हम जब चीटोज खरीदते थे तो हम तो पोकेमॉन के लिए ख़रीदते थे बट हमें पता नहीं था कि चीटोज़ में ये सब चीज़ें मिलाई जाती है एंड चीटोस हम कभी लाइक न्यूट्रिशनल वैल्यू न्यूट्रिशनल वैल्यू वगैरह की बात तो होती ही नहीं थी पहले इसमें कौन सा पोकेमोन है ये देख के हम खाते थे एंड दैट्स दैट्स द वे इट वॉज बट आफ्टर रीडिंग दिस बुक फॉर अराउंड अ मंथ इट इट टुक मी अ मंथ गाइज क्योंकि ये ये जो रियलिटीज इसमें बताई हैं दिस सॉर्ट ऑफ अनकम्फर्टिंग मतलब ये पढ़ के uh, मैं घर में कुछ भी खाने लायक नहीं ऐसा बोल रहा था एंड या इट मेक्स यू अनकंफर्टेबल द सोसाइटी एज वेल और आपको लोग पैरोइट समझने लगते हैं बट यूल सून गेट टू एन इक्विलिब्रियम एंड आप समझोगे कि हां थोड़ा थोड़ा करके अभी आपको सबको सुधारना है ऐसा uh, थोड़ा सा इमपेश को बताने से अच्छा आप उसको तो स्टडी करो अच्छे से एंड देन यू कैन लिव अ बेटर लाइफ उसके बाद अगर हम देखें तो इसमें जो पीछे इंग्रेडिएंट्स लिखे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा मैनिपुलेटिव होते हैं जो भी चीज़ों के पीछे इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो बारीक बारीक अक्षरों में लिखे जाते हैं क्योंकि बारीक अक्षरों में लिखने से क्या होता है ना हम उसको रीड नहीं कर पाते अच्छे से और जो चीज़ हमें हार्ड लगती है वो हम ज़्यादा टाइम नहीं कर पाते तो छोटे छोटे अगर अक्षरों में इंग्रेडिएंट्स लिखे जा रहे हैं तो वी डोंट रीड देम ऑफन और हम बार छोड़ देते हैं यार हम बोलते हैं यार क्या होगा चलो कुछ भी होता है मुझे खाना है अब तो आप वो देखते नहीं हो सेकेंड थिंग ऐसी भी चीज़ें की रही जाती हैं कि एक इंग्रीडियंट को अलग अलग नाम से लिखा जाता है कभी कभी उसकी क्वान्टिटी बताई नहीं जाती है जैसे कि कॉन सिरप और शुगर दोनों एक ही चीज़ें हैं बट शुगर की क्वांटिटी ज़्यादा ना दिखे इसके लिए उसको अलग नाम से लिखा जाता है और उसको अलग क्वांटिटी दी जाती है बट है वो शुगर ही समझ रहे हो मेरी बात ये ऐसी चीजें होकर अगर हम खा रहे हैं तो हमें सो दिस दिस क्वेश्चंस आवर अवेयरनेस एज वेल कि हम कितना अवेयर रहते हैं अपनी चीजों के बारे में और मैं तो बिल्कुल भी नहीं था मतलब मैं कोई ऐसा इधर गाइड नहीं बैठा हूं कि यार मैं तो पहले से ऐसा करता हूं तुम देखो नहीं करते भाई मैं भी हूं तुम भी हो जो समझ रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ कौन हो है हम हम वो हैं आई जस्ट डोंट वॉन्ट टू मेक इट एक्सप्लिसिट बट हम हैं वो क्योंकि हमें बनाया जा रहा है ना तो ये चीजें थी देन आफ्टर दिस थिंग ये तो हो गई फैक्ट्रीज की बात ये सिर्फ वो नहीं करते अब आपके पास पैसा आ गया ना आपने इतना लोगों को बनाया और इतने पैसे कमा लिए तो अब आप चाहोगे कि आप पैसे बनाते रहो तो आप क्या करते हो कि कौन भाई मुझे बेचने पे मजबूर करता है या कौन मेरे बेचने के लिए फायदेमंद है इट इज़ द गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट के लिए आप क्या करते हो कि गवर्नमेंट के पास आप जाते हो देखो भाई मेरा मेरे मुझे ये बेचना है तो मैं क्या करता हूँ आपको फंड देता हूँ आप मुझे बेचने दो दैट्स इट ये लॉ भी क्यों बना रहे हो ये क्या किससे क्या होगा तो गवर्नमेंट को ऐसे मैनिपुलेट करते हैं कि देखो इसको इट्स सॉर्ट ऑफ ब्राइब हाइडिंग इन द फंड मतलब फंड बोलकर वो लोग ब्राइब देते हैं कि चलो आपको मैं uh, ये देता हूँ आप ये लॉ हटा दो तो सबसे पर, मतलब आप अगर देखोगे कि टोबैको के, के एड पे सब गवर्नमेंट ने बोला है कि इसमें लिखना आना चाहिए कि टोबैको कॉजेस कैंसर बट किसी भी कोल्ड ड्रिंक की एड पे ऐसा नहीं लिखा जाता कि दिस कॉजिंग डायबिटीज और कैन कॉज हाई ब्लड प्रेशर ये नहीं लिखा जाता और दोनों उतने ही फैटैल हैं हालांकि कैंसर ज़्यादा है बट डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर आर नॉट लेस फैटल दैट्स वॉट आई एम ट्राइंग टू से तो उसके बाद ये लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि जो जो कुछ ऑनेस्ट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं मतलब जिन्हें ट्रू आई ऑफिसर्स होते हैं उनको ये लोग थ्रेटन भी करते हैं साम दाम दंड भेद जो इनसे बन पाता है ये लोग करते हैं एंड दे मेक श्योर दैट वॉट एवर दे आर सेलिंग इट्स इन द सेम वे दे आर सेलिंग तो अगर आप आप अच्छे से आपके पास थोड़ा सा डाटा हो तो सबसे पहले आ, स्प्राइट की बोतल पे लींबू बन के आता था, था। तो हमें लगता था कि इसमें नींबू पानी है एंड उसमें सोडा डाल के हाँ वो बेच रहे हैं बट एक्चुअली इट इज नॉट इट इज़ नॉट एट ऑल अब कुछ सीरियस लॉस uh, की वजह से वो चेंज होकर येलो डॉट बन गया है वो नींबू नहीं रहा अब उधर अगर ये चीज़ आपने नोटिस करी होगी तो देन गिव मी हाई फाई यू आर अ रियल ऑब्जर्वर तो उसके बाद ये तो हो गई फैक्ट्रीज अब फैक्ट्रीज की बात हमने की या फूड इंडस्ट, इंडस्ट्रीज की बात हमें की इन्हें खाना देता कौन है या खाना एक्चुअली इनके पास जो रॉ मटेरियल हम बोले जो प्रोसेस फूड से फूड के लिए लगता है वो कहाँ से आ रहा है वो आ रहा है फार्मिंग से अब फार्मिंग से जो ये आ रहा है इसके बाद हमें पता चलना चाहिए कि वो भी इंसान है फार्मर्स भी इंसान है वो भी प्रॉफिट सीख करते हैं और एवरीबडी ट्राइज टू लिव अपॉन अ गुड लाइफ एंड दैट्स वाई दे मेक प्रॉफिट अब ये जो प्रॉफिट वो लोग बना रहे हैं वो क्यों बना रहे हैं क्योंकि देखो उनको उनके पास डिमांड आ रही है हमें ये चाहिए हमें कॉर्न चाहिए हमें व्हीट चाहिए व्हीट क्यों चाहिए क्योंकि हमें मैदा बनाना है कॉर्न क्यों चाहिए क्योंकि हमें शुगर सिरप बनाना है तो कॉर्न व्हीट शुगर ये बनाने के लिए उनके पास मेजर डिमांड आ रही है तो वो मेजरली वही प्रोड्यूस करेंगे क्योंकि जिसकी डिमांड है उसका अगर सप्लाई करें तो हमें पैसा मिलेगा दैट्स द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स तो उसके लिए उसका प्रोडक्शन ज़्यादा हो रहा है और इसका कॉन्सिक्वेंस ये है कि मेजोरिटी ऑफ द फार्मर्स प्रोड्यूस इज यूटिलाइज बाय द इंडस्ट्री फॉर प्रोसेस फूड्स एंड विच इज लेस यूटिलाइज बाय द पीपल दैट आर ईटिंग इट मतलब ज्यादा से ज्यादा खाना फैक्ट्रीज में जा रहा है रादर देन लोगों के मतलब डायरेक्ट फैक्ट्री में जा रहा है पहले लोगों के पेट में जाने से पहले तो ये चीज़ें कुछ कॉन्सिक्वेंसेस uh, हैं ऐसे इंडस्ट्री डिवन फार्मिंग के अब इस इंडस्ट्री डिव फार्मिंग से क्या होता है कि देखो अब एक किसान को पैसे मिले अब वो सोचने लगता है यार मैं इससे तो मुझे पैसे मिल रहे हैं तो चलो मैं इसको और करता हूँ अब वो इस चीज़ को और करने लगता है एंड वेन टू डू दिस इन अ मोर सेंस वॉट ही डज इज ही यूज पेस्टिसाइड्स फर्टिलाइजर्स अब पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइजर्स यूज करने से क्या प्रॉब्लम है नहीं नहीं प्रोडक्शन तो हम बढ़ा ही रहे हैं ना और uh, भाई जर्म्स uh, ही तो मार रहे हैं हम पेस्टिसाइड से इससे क्या हो रहा है तो देखो जब हम पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहे हैं पहले बात करूंगा पेस्टिसाइड्स के बारे में देन हम बात करेंगे फर्टिलाइजर्स के बारे में और सॉइल के बारे में तो पेस्टिसाइड से क्या होता है पेस्टिसाइड्स जब हम मारते हैं तो देखो वो बैक यूजफुल बैक्टीरिया को भी मारते हैं और हार्मफुल बैक्टीरिया को मारते हैं क्योंकि उसको पता नहीं है कौन अच्छा है बुरा वो, वो कहता है मैं मारूंगा सबको मारूंगा मेरा काम सिर्फ मारना है एंड आफ्टर दैट इट्स स्टिक्स टू द प्लांट वो कभी कभार धोने के बाद और खाना पकाने के बाद भी नहीं जाते और ये पेस्टिसाइड जब हम, हम खाते हैं तो हमारे पेट में कुछ अच्छे बैक्टीरियाज भी होते हैं आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ होल गुड एंड बैड थिंग्स तो अच्छे बैक्टीरियाज भी उस पेस्टिसाइड से मर जाते हैं अब मर ही गए तो क्या होता है दिन में हजार दो करोड़ सेल्स मरते हैं बॉडी में तो वो भी मर गए तो क्या हुआ इतना एक्चुअली ये काफ़ी क्रिशियल है क्योंकि गट बैक्टीरियाज ही होते हैं जो हमें गट फीलिंग जो बोलते हैं ना हम उसके लिए एक काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबल है और वो हमारी बिहेवियरल चेंजेस या हमारे क्या बोल सकते हैं हम जो हमारा बिहेवियर है उसको भी वो ड्राइव करते हैं तो अगर हम ऐसी चीजें खाकर उन्हें मार रहे हैं तो हम सॉर्ट ऑफ प्रोन हो रहे हैं अपने बिहेवियर चेंज के लिए और ये चीज हम कभी नोटिस नहीं करते क्योंकि हमने ये पढ़ा है ना बस और सिर्फ मतलब एग्जाम में लिखने के लिए पढ़ा है हम इस चीज को कभी समझ नहीं पाए एंड शॉर्ट ऑफ थिंग इज दैट अगर हमने चेंज करना भी चाह तो एनवायरमेंट uh, ऐसा मैनिपुलेटिव है कि वो आपको चेंज नहीं होने देता है एंड दैट्स वॉट आई एम फीलिंग राइट नाउ क्योंकि मैंने uh, ये बुक पढ़ते ही मतलब मैं काफ़ी ज़्यादा इम्पेशन हो गया टू चेंज माई फूड सिस्टम एंड ऑल और मैंने सोचा कि नहीं अब मैं सिर्फ हेल्दी खाऊँगा वो करूँगा ये करूँगा नहीं भाई ये ऐसा नहीं होता है पर मैं जाकर आज मार्केट में सोचूंगा मैं सिर्फ हेल्दी खाना परचेज करूँ मार्केट में हेल्दी क्या है हेल्थी क्या है मार्केट में ये चीज मुझे इन डेप्थ अभी तक पता नहीं है सो so, इसके लिए मुझे और ज्यादा रीडिंग करनी पड़ेगी एंड वॉट आई एम गोइंग टू डू नाउ बट आई एम ट्रूली हैव चेंज आफ्टर रीडिंग दिस बिकॉज अब मैं अवेयर हो चुका हूँ अब मैं थोड़ा सा अवेयरली चीज़ों को देखने लगा हूँ कि मैं खा रहा हूँ तो क्या खा रहा हूँ ये कहाँ से बनकर आ रहा है इसकी जर्नी क्या होगी राइट फ्रॉम द फॉम टू माई प्लेट तो इसके लिए अब थोड़ा सा मैं थैंक्स करना चाहूँगा इस बुक को आफ्टर दिस वेन वी टॉक्ट अबाउट द फर्टिलाइजर्स फर्टिलाइजर्स क्या करते हैं फर्स्ट फर्टिलाइजर्स uh, हम जब डालते हैं तो इफ़ दे आर नॉट ऑर्गेनिक और इफ दे आर नॉट मेड अप ऑफ एनिमल वेस्ट एंड एट्सेट्रा इफ दे आर केमिकली मेड देन ये पहले तो किल करते हैं सॉइल के बैक्टीरियाज को एजोटोबैक्टर जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए वगैरह यूज़ होते हैं इनको किल करते हैं अब इनका किल करने से क्या होता है कि नेचुरल कैपेसिटी ऑफ सॉइल इज डिक्रीजिंग एंड द केमिकल कैपेसिटी मेक्स द सॉइल अल्कलाइन अब ये अल्कलाइन करने के बाद उस पर आप एक बार तो मतलब uh, खेती उगा लोगे बट उसके बाद आई डोंट थिंक सो के वो इतना प्रोडक्शन uh, दे पाएगा जितना पहले दे रही थी सो so, ये चीजें होने होती हैं एंड इफ यू आर लूजिंग दिस बैक्टीरिया ऑफ द सॉइल देन सॉइल लूजेस इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस और अगर आप अच्छे से इसको डीपली रियलाइज करो कि सॉइल नहीं है तो क्या करोगी सॉइल नहीं है तो आपके पास खेती नहीं होगी खेती नहीं होगी तो कोई भी फूड नहीं बन पाएगा फूड प्रोसेस्ड फूड भी नहीं बन पाएगा मतलब आप पिज्जा बर्गर मेोनीज तक मेोनीज तो दूध से बनता है सॉरी <laughs> आप पिज्जा बर्गर फ्रेंच फ्राइज रोटी सब्जी पनीर मखनी दाल चावल कुछ नहीं बना पाओगे क्योंकि खेती ही नहीं है भाई और सॉइल है तो खेती है तो सॉइल की क्वालिटी मेंटेन करना तो बनता है एंड दैट्स वाई सॉइल इरोजन इज टॉट इन द एथ क्लास ऑफ साइंस बट वी अगेन इग्नोर इट एज यूजल तो उसके बाद हमें लगता है कि मुझे लगता है कि ये चीजें होती है एंड आफ्टर दिस वॉट वी डू इज जब हम ऐसा खाना खा रहे हैं ऐसा फार्मर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उनको प्रॉफिट मिलता है इवेंचुअली एंड आफ्टर सम टाइम द्रो द लैंड बिकम्स इन अप्रोप्रिएट टू फार्म एंड दे सेल इट सो इसकी एक पूरी साइकिल है जिससे एक सोशोलॉजिकल बात भी निकल के आ रही है कि इंडिया में फार्मर रेट सुसाइड रेट बढ़ रहा है देन पहले ही बारिश नहीं हो रही क्योंकि फैक्ट्री से पोल्यूशन हो रहा है देन उसके ऐसे और कुछ कुछ ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है फैक्ट्रीज के पोल्यूशन की वजह से मतलब अगर आप सेंट्रली चीजों को देखें तो सेंट्रली फूड इज काइंड ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर दिज ऑल द प्रॉब्लम्स दैट वी आर टॉकिंग अबाउट एंड दैट्स हाउ मार्क हेमन हैज कनेक्टेड ऑल द डॉट्स इन दिस बुक मतलब जब आप ऐसे किसी एक किताब को पढ़ते हो ना तो आपका एक पर्सपेक्टिव बदल जाता है चीज़ों को देखने की तरफ and that's what I was talking about uh, in the previous part of the episode. तो ये तो थ्री चीज़ें और बहुत सी बहुत सी बातें हैं यारे सोचो थ्री फोर्टी pages की book है ये और थ्री फोर्टी pages को पढ़ने में आप इतने अनकम्फर्टिंग हो जाते हो that uh, कि यार ये क्या है इतना, इतना कैसे है और इतना इस बंदे ने कैसे पढ़ा है सो so, दैट्स what इज अमेजिंग अबाउट दिस बुक उसके बाद uh, कुछ ऐसी भी चीजें आपको इसमें मिलेंगी क्योंकि ये अमेरिकन ऑथर है तो ये बात करते हैं मोस्टली अबाउट अमेरिका एंड यूएसए बट सॉर्ट ऑफ इन चीजों को आप बाकी कंट्रीज में भी फील करना शुरू करोगे क्योंकि ही इज अ ग्लोबल फूड एक्टिविस्ट इसको इनको सिर्फ यूएसए के बारे में नहीं बहुत सी जगहों के बारे में पता है एंड दैट्स वॉट यू कैन रियली रियलाइज फ्रॉम दिस बुक सो इतनी सारी प्रॉब्लम्स तो हैं और इसका सोल्यूशन क्या है तो सोल्यूशन है भाई फूड फिक्स फूड फिक्स के हर चैप्टर के एंड में उन्होंने एक कॉलम लिखा है जिसका नाम है फूड फिक्स और उसमें वो बात करते हैं उस चैप्टर के प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन के बारे में और इन सब का मिलाकर मैं एक ब्रीफ सोल्यूशन आपको देना चाहूंगा क्योंकि 17 चैप्टर है इसमें सेवनटीन चैप्टर के सेवनटीन से ज्यादा सोल्यूशन है क्योंकि एक चैप्टर में एक प्रॉब्लम नहीं है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है तो उसके लिए मैं एक ब्रीफ सोल्यूशन देना चाहूंगा दैट फर्स्ट ऑफ ऑल रियलाइज द वैल्यू ऑफ योर फूड डोंट कॉल योर फूड एज चीप और कॉस्टली रादर कॉल इट अफोर्डेबल वेदर दिस फूड इज अफोर्डेबल फॉर और नॉट क्योंकि जब हम चीप या कॉस्टली बोलते हैं तो हमारे माइंड में एक बाइनरी सेंस आ जाता है बाइनरी सेंस यानी मतलब ये अच्छा है या बुरा है अगर चीप है तो चलो ठीक है खा लेंगे अच्छा है अगर कॉस्टली है तो नहीं इसको नहीं खा सकते क्योंकि ये कॉस्टली है ट्राई टू फाइंड समथिंग अफोर्डेबिलिटी इन ईच ऑफ एवरीथिंग मतलब अगर मैं सोडा पी रहा हूं तो चीप है बट इसको अगर मैं कंसिस्टेंटली पी रहा हूं तो उसके बाद मैं जो डॉक्टर के पास जाऊंगा वो मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं है तो क्या सोडा पिना मेरे लिए अफोर्डेबल था मैं मैकडोनल्ड में पिज्जा खा रहा हूं तो अच्छी बात है क्या वो मेरे लिए चीप था हाँ वो मेरे लिए चीप था अब मैं उसको खा रहा हूँ उसको मैं कंसिस्टेंटली खा रहा हूँ बट आफ्टर दैट जिससे मेरा बीपी या कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम होगी क्या वो मेरे लिए चीप थी नहीं उसके हॉस्पिटल बिल्स बहुत ज्यादा हैं सो दैट्स वाई इट्स नॉट अफोर्डेबल फॉर मी तो इसके लिए मैं सोच रहा हूं कि रैदर देन थिंकिंग इन दिस पैटर्न ऑफ बाइनरी दैट इट इज समथिंग कॉस्टली और चीप रैदर थिंक अबाउट अफोर्डेबिलिटी ऑफ दैट फूड एंड दैट्स वॉट इज ही सेज इन बुक दैट द ट्रू कॉस्ट ऑफ फूड इज नॉट रिटर्न ऑन इट और वैसे ही इस किताब के बारे में भी है इस किताब की कीमत है सात सौ रुपये और ये काइंड kind ऑफ of, uh, मैंने सबसे महंगी किताब में से यह मेरी एक किताब है बट नाउ आई हैव रियलाइज दैट द ट्रू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट इज नॉट विच इज रिटर्न ऑन इट एंड इट इज हाईली अफोर्डेबल फॉर मी टू हैव दिस बुक उसके बाद हमें एक सेंस ऑफ काइंड ऑफ वी कैन से वी नीड टू क्रिएट अ सोसाइटी विच टॉक्स अबाउट रियल वैल्यू एंड रियल न्यूट्रिशनल वैल्यू ऑफ द फूड मतलब हम स्कूल्स में अच्छा खाना लोगों को दे लोगों को अच्छे फूड के बारे में बताएं देन टीचर वी नीड अ काइंड ऑफ सोसाइटी ऑफ चिल्ड्रन अबाउट द रियल वैल्यू एंड कॉस्ट ऑफ फूड उसके बाद अगर हम देखें तो बच्चों को पेरेंट्स को बच्चों को बताना चाहिए दैट वॉट एवर दे आर आस्किंग टू बाय इट्स इट्स समथिंग जो उनको बाय करने के लिए मजबूर किया जा रहा है मेंटली साइकोलॉजिकली और uh, मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि आजकल के बच्चे पागल हैं आजकल के बच्चे बहुत होशियार हैं एंड वी नीड सम काइंड ऑफ मोर इंटेलिजेंस टू उनको उनको संभालने के लिए हमें ज्यादा इंटेलिजेंस चाहिए दैट वॉट एम आस्किंग क्योंकि मैंने ये घर पे एक्सपेरिमेंट अभी ट्राई किया दैट आई टोल्ड माई नीस दैट जो कैडबरी वो खा रही है उसको उससे उसके दांत खराब होंगे एंड uh, इसमें शुगर काफी ज्यादा है तो वो उसको एडिक्टिव बनाएगा और वो ज्यादा खाएगी इवेंचुअली रादर देन वो अगर खाना चाहती है या नहीं भी एंड शी अंडरस्टूड शी शी एटलीस्ट प्रोमिस्ड मी दैट शी वॉन्ट ईट मच आफ्टर दैट और ये थोड़ा थोड़ा चेंज जब आप देखते हो तो आपको लगता है यार हाँ कुछ कुछ चीजें हैं जो मैं बदल सकता हूं और अगर मैं दुनिया बदलना चाहता हूं तो मैं अपने फूड को फिक्स कर सकता हूं इट इज द सिंपल थिंग दैट आई कैन डू टू सेव द वर्ल्ड एंड देन ऑल्सो देर आर सम सोल्यूशंस लाइक इफ वी कैन हैव स्टार्टअप इन दिस इंडस्ट्री विच कैन मेक ऑर्गेनिक फार्मिंग या रीजनरेटिव फार्मिंग प्रॉफिटेबल क्योंकि देखो प्रॉफिटली अगर कुछ चीज ड्रिवन हो रही है और अच्छी चीज अगर प्रॉफिट दे रही है तो क्यों नहीं करेंगे भाई क्योंकि प्रॉफिट तो सबको चाहिए सो बेसिकली इफ वी कैन कम अप स्टार्टअप्स और हु डेवलप सच काइंड ऑफ बिज़नेसेस विच आर प्रॉफिटेबल दो दे आर ऑर्गेनिकली देन देर विल मच बेटर चांस ऑफ द प्लान उसके बाद गवर्नमेंट uh, को भी कुछ ऐसे स्ट्रिक्ट पॉलिसीज रखने चाहिए जो uh, ना प्रमोट करने दे बिग कंपनीज को उनके एजेंडाज मतलब इसमें थोड़ा सा स्ट्रिक्टनेस भी चाहिए थोड़ी ऑनेस्टी चाहिए ये और फाइट होना चाहिए भाई और इसके लिए अगर आप किताब पढ़ोगे तो मार्क हेमन हैज मैं काइंड ऑफ सोर्स सम एक्टिविस्ट हु आर एक्चुअली डूइंग दिस जॉब ही आल्सो गिव सम केस स्टडीज वेर ऐसा ऐसी चीजें हुई हैं एंड दे हैव वन फाइट अगेंस्ट बिग कंपनीज। ही हैल्सो मैंशन नेम एंड डॉक्यूमेंट्रीज ऑफ सम मूवीज फ्रॉम विच वे कैन लर्न एंड गेट डीपर इन दीज वैल्यूज सो इनमें ऐसे कुछ लोगों के नाम भी हैं जो काफी ज्यादा एक्टिव हैं इस चीजों इन चीजों को लेकर एंड दे आर हैविंग द कम्युनिटीज हु ट्राई टू डू द सेम थिंग्स और ऐसी चीजें जब आप पढ़ते हो तो आप को एक ग्रुप uh, या आप कहो एक एनवायरमेंट मिल जाता है जिसमें ये चीजें बढ़ रही हैं सो इट्स अ गुड थिंग एंड आई थिंक दैट्स अ ब्रीफ सॉल्यूशन ऑफ वॉट एवर इट्स इट इन साइड द बुक एंड आई होप यू लाइक दिस एपिसोड इफ यू लाइक दिस एपिसोड प्लीज सब्सक्राइब ऑन गूगल पॉडकास्ट फॉलो मी ऑन स्पॉटिफाई आल्सो यू कैन सब्सक्राइब टू माई ई मेल ब्लॉग ऑन माई वेबसाइट डब्ल्यू 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 डॉट श्री स्कूल डॉट वर्ड प्रेस डॉट इन and i thank you for this episode and keep learning keep enjoying thank you by the way if you are a regular follower of shree school podcast you know that i won't uh, generate a content on instagram from now because instagram is all about instantaneous contents and generating deeper values with instantaneous content is a much harder job because the environment is not supporting you so that's why I have created my website, which is www.shreeschool.wordpress.in this website, you blogs, par sakte ho, mere podcasts, sun sakte ho, mere YouTube videos, sakte ho, mere poetries, sakte ho, and you can access all the content which I create. There is one more thing that you can subscribe to my blogs by entering your email in the subscription link which will be available on the page. I have mentioned this website link in the description. You can catch it from there and subscribe to my website. Thank you.